हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमन वर्मा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एवी क्लासेस में। एवी क्लासेस के थ्रू मैं आपको क्लास 12 अकाउंटेंसी की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा और आज ये फर्स्ट लेक्चर है। तो फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। वॉल्यूम 1 का फर्स्ट चैप्टर आता है ये, ठीक है गाइज। आज बेसिक के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअलिटी में इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जो जो इसका बेसिक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को स्टार्टिंग से। चैप्टर नेम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फर्स्ट लाइन कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 8। आप सभी को पता है ट्वेल्थ क्लास के एग्जाम में अब सिंगल मार्क क्वेश्चन भी आने लगे हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के। तो उन टाइप के क्वेश्चंस में ना सिर्फ इसी टाइप की चीज़ें पूछी जाती हैं जो चैप्टर का बेसिक होता है। तो आपको इन चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी एक्ट 2013 सेक्शन 8 में इस टाइप की कंपनी मेंटेन की जाती है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इस टाइप की कंपनी मेंटेन करने का? देखो, इस टाइप की कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है प्रॉफिट तो इन्हें अर्न करना ही नहीं है। एक्चुअलिटी में होता क्या है कि ये सोसाइटी को या फिर कुछ पब्लिक को या फिर कुछ मेंबर होते हैं जो इस कंपनी को मेंटेन करते हैं, जो बनाते हैं, फाउंडर होते हैं। वे सभी जो मेंबर होते हैं वो अपने आप को फैसिलेट करने के लिए भी इस टाइप की कंपनी बना लेते हैं। जैसे कि ऑब्जेक्टिव है सर्विस या गुड सप्लाई करना पब्लिक को या फिर मेंबर को या फिर बोथ, दोनों को भी किया जा सकता है, ओनली मेंबर भी हो सकता है। जैसे कि बोला जाए कल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, रिलीजियस, इस टाइप की चीज़ों को प्रोवाइड कराना। या तो आप पूरी सोसाइटी को प्रोवाइड कराओगे या फिर जो मेंबर होते हैं उन्हीं को। जैसे कि होता है कि रिलीजियन में देखा जाता है कि कुछ ग्रुप बन जाते हैं और वो अपना कल्चरल या फिर रिलीजियस प्रोग्राम करते रहते हैं। जैसे कि आप लोगों की सोसाइटीज़ होती हैं, सोसाइटी भी तो NPO ही होती है, ठीक है गाइस। फिर आता है थर्ड, NPO इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी ही मानी जाएगी। NPO डिफरेंट थिंग और जो उसके फाउंडर हैं वे सब अलग होंगे, ठीक। और उनको इस तरह की सोसाइटी का नाम बोला जाता है ट्रस्ट या फिर चैरिटेबल सोसाइटी, ठीक। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन एग्जांपल, स्कूल्स, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, सोसाइटीज होते हैं ना, बहुत ही स्कूल्स होते हैं जो चैरिटेबल ट्रस्ट के होते हैं। तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट यानी कि NPO वही उन स्कूल्स को रन कर रही होती है। उनकी फीस भी थोड़ी कम होती है प्राइवेट स्कूल्स के मुकाबले, वो इसी वजह से होती है क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं सोसाइटी के बेनिफिशियल के लिए। फिर आता है फिफ्थ, NPO के जो प्रॉफिट आता है उसको यहाँ पर नेम लिया जाता है सरप्लस, एंड जो लॉस होता है उसको बोला जाता है डेफिसिट, ठीक। मैनेजमेंट में या तो जो हेड होगा उसको ट्रस्टी बोला जाता है या फिर होती है यहाँ पर मैनेजिंग कमेटी, ठीक। इनकम एग्जांपल, डोनेशन मिलती है इनको, मेंबरशिप फी, जो मेंबर होते हैं उनको इस सोसाइटी का मेंबर बने रहने के लिए एक फी पे करनी पड़ती है, पर एनम भी हो सकती है और लाइफ टाइम भी हो सकती है, तो उसी को मेंबरशिप फी बोला जाता है। सब्सक्रिप्शन को किस टाइप से आप समझोगे, आप नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो, बोला जाता है इतना सब्सक्रिप्शन पैक है, यानी कि आप इसको इतना पे करो, आप जब आप उसको सब्सक्राइब करोगे, जब आप उसको यूज़ कर पाओगे। तो इसी तरीके से अगर आपको इन ट्रस्ट का या फिर जो चैरिटेबल सोसाइटी है अगर इनका जो सर्विसेज का बेनिफिट लेना है तो इसके लिए आपको इन्हें भी क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब, यानी कि इनको भी आपको एक फ़ी पे करना पड़ेगा। तो वो इनके लिए क्या बनती है, इनकम। फिर आता है ग्रांट फ्रॉम गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी ग्रांट प्रोवाइड कराती है, जो सोसाइटी के लिए अच्छा करते हैं उनको गवर्नमेंट ग्रांट प्रोवाइड कराता है, तो ये एक तरह से इनके लिए क्या हो गई है, इनकम, ठीक है गाइस। ये इतनी चीज़ें इसमें बोली गई हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं नोटिंग के लिए, ठीक है गाइस, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे। अब बात आती है इसमें जो अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, अब इसमें यहाँ पर 3 अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं, उनके बारे में बहुत ही तरीके से आपको समझना होगा। देखिए, जो फर्स्ट अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो होता है
फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं इसमें क्या क्या आता है. देखिए पहला जो अकाउंट मेंटेन किया जाता है वो होता है हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट. ठीक है, जो हमारा सेकंड होता है ये होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और जो थर्ड होता है बैलेंस शीट. ठीक है गाइस, अब बात आती है, कुछ नहीं है, आपने ये सब चीजें की हुई हैं ऑलरेडी 11th क्लास में. फाइनल अकाउंट किया था, पीएनएल बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट एज इट इज बैलेंस शीट. जो पीएनएल बनाते थे यहां पर नेम चेंज कर दिया, इनकम एक्सपेंडिचर नेम कर दिया, पर है जस्ट लाइक पीएनएल अकाउंट, होता पीएनएल की तरह ही है. थोड़ा आइटम में फर्क आता है, उन आइटम को समझने का ही सारा का सारा गेम है, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन करके पढ़ेंगे. फिर आता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक कैश अकाउंट. किसकी तरह होता है? बिल्कुल कैश अकाउंट की तरह होता है. ठीक है, इसके बारे में सेकंड लेक्चर में बात करेंगे. पहले आप ये बेसिक को रिवाइज कीजिए अच्छी तरीके से, इसको माइंड में प्रॉपरली डालिए. जो कल क्लास होने वाली है उसमें हम बात करेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की और बैलेंस शीट की. इसी तरीके से धीरे धीरे स्टेप बाई स्टेप चलेंगे. और प्लीज़ लॉकडाउन चल रहा है, रूल्स फॉलो कीजिए, घर में रहिए, स्टे सेफ, बिकॉज ये वायरस रियली में काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, आपकी लाइफ भी जा सकती है. तो प्लीज़ आप घर पर रहिए, सेफ रहिए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए. थैंक यू वेरी मच.